वेलकम टू एडुसक्षम। नदी में फ्लोट करने वाले वुडन लॉग से लेकर बोइंग तक, अर्ली मैन से लेके मॉडर्न ह्यूमन बीइंग तक, ह्यूमन एवोल्यूशन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी डेवलपमेंट हुआ है। बहुत पहले जब इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवरों को यूज करते थे। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास जानवर नहीं थे, वो बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए भी पैदल चलते थे। क्या आप आज सोच सकते हो कि आप दिल्ली से लखनऊ पैदल चले जाओगे? नहीं ना। पुराने समय से ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जा रहा है। हमें पता है कि पानी एक फ्लूड है और फ्लूड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। जब वुडन लॉग्स पानी में गिरते थे तो वो उन पर फ्लोट करते थे, और लोगों ने इसी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया और सोचा कि अगर हम किसी तरीके से वुडन लॉग्स को यूज कर लें वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो काफी सारी वुडन लॉग्स को एक साथ कनेक्ट किया गया और वुडन लॉग की बोट बनी। लेकिन वुडन लॉग की बोट में एक प्रॉब्लम थी, उनका जो स्ट्रक्चर था वो आगे से ब्रॉड था, उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था एक डायरेक्शन देने के लिए। अब प्रॉब्लम ये आई कि एफर्ट को कम कैसे किया जाए, तो लोगों ने अपने आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अगर आप एक फिश को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी बॉडी आगे से नैरो होती है और बीच में से ब्रॉड होती है, इसे स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप पानी को कट करने के लिए यूज की जाती है। इसी स्ट्रीमलाइन शेप को लोगों ने वुडन लॉग्स में यूज किया और वुडन बोट्स बनाए। वुडन बोट से लेकर वुडन शिप्स, और अब तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास में सबसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था व्हील्स का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हील्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं यूज की गई थी सबसे पहले। व्हील्स यूज की गई थी पॉटरी के लिए, गमला बनाना, मटका बनाना, इसके लिए। व्हील आपको पता है एक सर्कुलर शेप में होता है, और सर्कुलर शेप की खासियत यह है कि उसमें कोई भी शार्प एजेस नहीं होती। अगर आप कोई और शेप कंसिडर करें जैसे कि स्क्वायर या पेंटागन या ऑक्टागन, उसमें शार्प एजेस आती है। व्हील्स की सर्कुलर शेप की वजह से उन्हें रोटेट करना बहुत आसान था। बड़ी बड़ी व्हील्स को जानवरों से अटैच किया गया, और जब जानवर आगे मूव करते थे तो व्हील्स भी उनके साथ रोटेट करती थी। इसी तरह से एनिमल कार्ट्स बनी। एनिमल कार्ट्स पे लोगों ने अपने आप को और अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन एनिमल कार्ट्स में एक प्रॉब्लम थी, जानवर जो है वो थोड़े टाइम के बाद थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं होती। इसे ओवरकम करने के लिए इंजन्स का डेवलपमेंट हुआ। आज इंजन्स मोटरसाइकिल से लेके कार और एरोप्लेन्स में भी यूज होती है। आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री में इंजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इंजन्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एडुसक्षम। थैंक यू।